दिलों को अच्छा करने के मुख्तलिफ आमाल लिखे हैं कि जिन आमाल के करने से इंसान का दिल अच्छा हो जाता है। उसमें वो फरमाते हैं कि मजालिसतुस सालिहीन, सबसे पहला अमल जिससे कि दिल संवरता है नेकों की सोहबत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमाया कूनू मा सादिकीन, कि सच्चों के साथ हो जाओ। हदीस पाक में है अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, बंदा अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है तो अच्छी सोहबत में बैठने वाला यकीनन फायदा उठा लेता है और बुरी सोहबत में बैठने वाला यकीनन खसारा पा लेता है। फिर उसके बाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी का मामला करना। रब्बे करीम ने भी इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो, हत्ता कि अगर वो काफिर और मुशरिक भी हो तो भी उनके साथ अच्छे अंदाज से जिंदगी गुजारो। वसाहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया के मामलात में उनके साथ अच्छाई का मामला कर। चुनाचे एक बड़े बुजुर्ग थे जो साहिब दुआ थे, मुस्तजाब दावत थे। एक बंदा बहुत ही परेशान हाल था, उसने सोचा कि भाई मैं इनके पास जाऊंगा, सुना है कि इनकी हर दुआ कबूल होती है। चुनाचे वो कहने लगा जी मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ हालात सुनाऊंगा। वो उसे लेकर गए। जब वहाँ गए तो उसने देखा कि उनके घर के अंदर दो सुअर बंधे हुए हैं। बड़ा हैरान हुआ, अल्लाह का वली इतना मकाम के मुस्तजाब दावत सुअर बंधे हुए हैं। इन्होंने मेहमान को बिठाया, पहले उन सुअरों को जो उनका दाना था वो डाला, फिर आकर बैठ गए। इसने हालात बताए और बताकर इसने उनसे दुआ के लिए कहा, उन्होंने दुआ कर दी। जब जरा बात बढ़ी तो इसने पूछा कि जी आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया, बड़े बड़े मशायख ने तस्दीक की, ये आपको मकाम कैसे मिला? उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे तुमने देखा कि जब मैं आया तो मैंने दो जानवरों को दाना डाला? कहने लगे हाँ। कहने लगे वो दोनों मेरे माँ बाप, लेकिन एक मरतबा अल्लाह की शान में उन दोनों ने ऐसा गुस्ताखाना कलाम किया कि अल्लाह ने उनकी शक्लों को मसख कर दिया, उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। मेरे तो माँ बाप थे ना, मैंने उनकी खिदमत को उसी तरह जारी रखा, अल्लाह ने उनकी खिदमत के सदके मुझे मुस्तजाब दावत बना दिया। नंबर तीन, के नौजवान अपने माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। मासी अल इब्तियाद अन अहलिल फिस्क वल मासी, फिस्क फजूर वाले जो लोग होते हैं उनसे अलग रहना। और ये तो हम रोज अल्लाह से वादा भी करते हैं, रोज अल्लाह से वादा करते हैं और मजे की बात बावजूद होकर वादा करते हैं, और भी अजीब बात मस्जिद में खड़े होकर वादा करते हैं, और भी अजीब बात हालत नमाज में वादा करते हैं, रोज वादा करते हैं। वितर में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? व नख लाओ व नत रुको मई यफ जो रुक, और सुबह उन्हीं के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं। ये बुरों की दोस्ती बंदे को बिल आखिर डबो के रहते। सोहबते सौले तुरा सौले कुनद, सोहबते तौले तुरा तौले कुनद। चौथा फरमाया ज़ियारतुल कुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कुबूर की ज़ियारत करना इसलिए कि कुबूर की ज़ियारत से इंसान को आखिरत की याद आती है, दिल की सख्ती दूर हो जाती है। पांचवा अन्नज़रु फ़ी अवाक़िबिल मुफ़सिदीन, जो मुफ़सिद हैं बदकार हैं उनके अंजाम पे जरा नजर दौड़ाइए, इसलिए कि जो इंसान बदकारियां करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी दुनिया में फिर उसका अंजाम वैसे कर देते। अक्लुल हलाल वल इब्तिआद अन अक्लिल हराम वल मुश्तबे, हलाल खाना और मुश्तबहात से अपने आप को बचाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहर रुसुल कुलु मिन अत्तय्यिबात वअमलु सालिहा, फिर फरमाया सातवां तकलीलुल अक्ल थोड़ा खाना, कुलु वशरबु वला तुसरिफु खाओ पियो मगर इसराफ न करो। आठवां अल इक्सारु मिन अस्सियाम वत्तताबउ बैनल हज वल उमरा, कसरत से रोजे रखना और कसरत से एक के बाद दूसरा हज और उमरा करना, इससे भी इंसान का दिल मुनव्वर होता है। नौवां कहा क़ियामुल लैल व इहयाउहु बिल इबादा, रातों को जागना अल्लाह की इबादत से अपनी रात को मुनव्वर करना। अद्दुआ व इग्तिनाम औकातिल इजाबा, दुआ मांगना और जो कबूलियत के औकात हैं उनसे फायदा पाना, उनमें दुआएं मांगना अल्लाह। फिर अस्सुमत अम्मा ला यानी, ला यानी बातों से परहेज करना, खामोश रहना। मन समत नजा अल खलवा बिन नफ्स व महासिबतुहा, जिसको हम मुराकबा कहते हैं कि तन्हाई में 15 मिनट आधा घंटा बैठकर अपने आप का मुहासबा करना। हासिबू कबला अंतु हासबू, तुम अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। फिर अल इल्म बे अन अल्लाह मुत्तलिउन अलल अक्वाल वल आमाल, ये जानना कि अल्लाह ताला हमारे आमाल अकवाल को जानता है। अस्सदकतु व मारफतु अहवालिल फुकरा वल मसाकीन, अल्लाह के रास्ते में सदका देना। अल मुहाफिजतु अलस सलावात, नमाजों की पाबंदी।
तिलावतुल कुरान बितदब्बुरी व तफक्कुर फी, सोच समझ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तिलावत करना, अत्तफक्कुर फी मखलूकातिल्लाह तआला, अल्लाह की तखलीकात के अंदर गौर खौज करना, इज्तिनाबुल मुनकरात वल मलाही, गफलत वाले काम और मना किए हुए काम उनसे बचना, इख्तिनामुल औकात बिन नाफे मिनल अक्वाल वल आमाल, अपने औकात को अच्छी बातों और अच्छे कामों में लगाना, और बीसवां फरमाया अल मुआलिजा बिल अतिबा रूहानिया, जो रूहानी तबीब है उन रूहानी अतिबा से अपना रूहानी इलाज करवाना। जैसे कोई बंदा दिल का मरीज होता है, दौड़ते हैं ना हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, कभी आई स्पेशलिस्ट के पास गया, कभी नहीं जाता, कभी डेंटल सर्जन के पास गया, जी मेरा हार्ट पेशेंट हूँ मैं, डेंटल सर्जन के पास है, हंसने लगेंगे, हार्ट पेशेंट के पास, हार्ट पेशेंट हमेशा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। तो जो रूहानी तौर पर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उनकी सोहबत में जाकर अपने दिल का इलाज करवाना। www.darsquran.com